खड़ा नहीं हो जाए, जिसको हम लोग कहेंगे कल का दिन हम लोग किस पाँव में खड़ा हो जाए। ये बात सही कह रहे भाई, ये अभी तक अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, पहले हम खा लेते हैं और हम किधर अपने पाँव पे खड़े होंगे। क्या अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मेरा इरादा है कोई स्पेशल कढ़ाई बना दिया जाए लड़कों के लिए, तो मैं निकला हूँ बाज़ार की तरफ, यहाँ ख़रीदारी करेंगे, गोश्त लेंगे। वाइट कढ़ाई हम बना रहे हैं, क्रीम वाला वाइट कढ़ाई, तो इसके लिए मैं बाहर निकला हूँ गोश्त वगैरह खरीद के, चीज़ें सामान ही खरीद के आप लोग को इधर बाज़ार में भी ले चलते हैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए, और जब बनाएंगे उधर भी आप लोगों को सब कुछ इंशाल्लाह हम दिखाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ रहें चीज़ें खरीदते वक्त भी और वीडियो एंड तक देखें। जिन बहन भाई ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि यार आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको आसानी मिल सके। अभी आप लोगों को बताता चलूं, ये जॉइंट रोड पोइठा है, ये जॉइंट रोड हमारे यहाँ करीब पड़ता है, तो इसलिए हम जॉइंट रोड पे आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। ख़रीदारी करते हैं यहाँ मछली या चिकन सब कुछ, यहाँ होटलें बहुत मशहूर होटल है, हाजी खान खान होटल, इनके चाय बहुत मशहूर हैं। यहाँ से आप लोग को शायद दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, वो देखें हाजी खान होटल, इससे आगे थोड़ा जाते हैं वहाँ खान होटल आएगा, ये दोनों होटलें बहुत मशहूर हैं इनके चाय। यहाँ पे लोग शाम के वक्त अमूमन आते हैं, देखें लोग बैठे हुए इधर बैठ जाते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं। तो ये सामने हाजी खान जॉइंट रोड क्वेटा, इसके साथ आगे थोड़ा जाएंगे आई लव क्वेटा चौक आता है, अस्सलाम वालेकुम भाई, किलो कितना है? 620। इतना महंगा क्यों यार, अभी तो सस्ता होना चाहिए इसको। हाँ क्या कहते हो, सस्ता कब होगा? सस्ता हो ना, ये भाई कह रहे हैं कि ये सारे आराम से किस तरह आराम से, ये जो 20-25 दिन की है, 20-25 दिन के अंदर बड़े होते हैं, ये बात तो ठीक है भाई का, भाई कह रहे हैं कि 20-25 दिन के अंदर ये बड़े होते हैं, इनको इंजेक्शन ही लगा के पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, 20-25 दिन के अंदर बड़े होते हैं, ये बात सही कह रहे भाई, ये अभी तक अपने पाँव पे खड़े नहीं होते, पहले हम खा लेते हैं और हम किधर अपने पाँव पे खड़े होंगे। क्या ठीक कह रहे भाई, कह रहे इनको खड़ा करो, ये सारे दोबारा फिर लेट जाते हैं, फिर ये देखे सारे लेटे हुए हैं, ये बात भाई ठीक कह रहे हैं, ये जो फार्मी मुर्गी है इनको खड़ा करो, ये 2-3 मिनट खड़े होते हैं फिर इसके बाद फिर लेट जाते हैं, आपको खड़े हुए इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे, ये बात ठीक है भैया आपका, सही कह रहे हैं। अभी किसी मुर्गी को इधर रोड पे पकड़ो, 50 बंदे जो है उसका पीछे छोड़, इधर मुर्गी को भी छोड़ो, ये बात ठीक है, देसी मुर्गी इतना ही आपको भगाएगा कि आपको थका देगा लेकिन अपने आपको पकड़ने नहीं देगा। तो जी नाज़रीन, चिकन खरीदने के बाद मैं आ गया दही वाले के पास, मुझे दही चाहिए थे, दही कुछ यहाँ दही ले लेते हैं, तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने दही ले लिए, डायरेक्ट अब चलते हैं किचन में। वहाँ से आने के बाद चिकन को मैंने धो लिया, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, इसमें कुकिंग ऑयल में शामिल कर रहा हूँ जब तक ये गर्म हो जाए। तो जी मेरे कुकिंग ऑयल बिल्कुल गर्म हो गए, अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ चिकन। चिकन हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं 2-3 मिनट के लिए, चिकन मैंने शामिल कर दिया, इसको थोड़ी देर हिला लेते हैं ताकि नीचे से चिपक ना जाए, फिर इसको बंद कर देते हैं। तो जी नाज़रीन, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, मिलता हूँ आपसे 2-3 मिनट बाद। 3 मिनट गुजरने के बाद ये देखें चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, थोड़ा बहुत फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर देता हूँ पानी, 1 गिलास पानी मैं इसमें शामिल कर देता हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पानी शामिल करने के बाद इसमें मैं हसब ज़रूरत नमक शामिल कर देता हूँ, नमक शामिल करने के बाद
इसको करते हैं बंद, मिलते हैं आपसे 4 से 5 मिनट बाद। पाँच मिनट गुजरने के बाद ये देखें इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, गोश्त हमारा ऑलमोस्ट बन गया है 70%। अब मैं इसमें शामिल कर देता हूँ दही, जो दही के मैंने लिए थे वो दही शामिल कर रहा हूँ। दही शामिल करने के बाद इनको करते हैं मिक्स, सही तरीके से आपने इनको मिक्स कर देना है। इसको मिक्स कर देने के बाद इसको कर देना है बंद, 2 मिनट बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो जी 2 मिनट गुजरने के बाद ये देखें दही बिल्कुल अलग हो गया है, इसने पानी छोड़ दिया है, ये पानी भी इसी तरह ख़त्म होगा। अब मैं इसमें शामिल कर देता हूँ सफ़ेद ज़ीरा 2 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया, 2 चम्मच नहीं 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच ये शामिल कर दिया। इनको करते हैं मिक्स, मिक्स करने के बाद इसका पानी जब तक थोड़ा खुश्क हो जाए फिर मिलते हैं आपसे फिर बाद में। ये देखिए चिकन का पानी जो था दही वाला वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, बस थोड़ा बहुत रह गया है जो कि करी के लिए काफ़ी होगा। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ क्रीम, जो कि बआसानी बाज़ारों में आपको मिलती है, क्रीम मैंने शामिल कर दी है। क्रीम पूरा शामिल नहीं करना है, क्रीम आधा शामिल कर देना है। क्रीम शामिल करने के बाद इसको करते हैं मिक्स, मिक्स उस वक्त करना है जब तक हमारा क्रीम बस पक जाए, बाकी तैयार है, बस क्रीम को 3 से 4 मिनट पका देना है बस। ये देखें क्रीम पकाने के बाद चिकन का कलर देखें, माशाल्लाह खूबसूरती देखें, कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हो गया है। ये देखें चेक करें माशाल्लाह, इसका करी चेक करें, चिकन चेक करें, बिल्कुल हर चीज़ ओके हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर देता हूँ, इसके गार्निश करते हैं इसको अदरक और सब्ज़ मिर्च के साथ, फिर इसका आँच करते हैं बंद। तो गार्निश हो गया, ये हो गया मेरा रेसिपी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी ये रेसिपी पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दीजिए हमें इजाज़त, अपने लिए सारा ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।